जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुधवार शाम कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सांसद गुमान सिंह डामोर, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक डॉक्टर राजन पांडे, चेतन काश्यप, दिलीप मकवाना, मनोज चावला सहित कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। बैठक में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के दौरान बन रही परिस्थितियों पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों की प्याज लहसुन की उपज खेतों से सीधे किसी भी मंडी में भेजे जाने पर चर्चा की गई। रतलाम शहर विधायक चेतन काश्यप ने मीडिया को बताया, आज रतलाम डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी। इसमें जिला पदाधिकारी व सांसद विधायक से जनप्रतिनिधि थे, परंतु विशेष बात आज जो रतलाम में एक मृतक जो इंदौर के अंदर मृत हुआ और रतलाम के अंदर लाकर के 4 तारीख के दिन उसे दफनाया गया और बाद में उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, ये एक बहुत गंभीर मामला है कि इंदौर के प्रशासन ने उसे कैसे छोड़ा और रतलाम के जिले की प्रवेश सीमा के अंदर कैसे आया और 4 दिन तक कैसे उसका परिवार यहाँ घूमता रहा, इसके लिए कौन कौन जवाबदार है उसकी एक जाँच उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की पुनरावृत्ति से जो रतलाम आज तक बचा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि बाहरी इस तरीके के हमारे सामने जो प्रकरण आ रहा है इसके कारण रतलाम के अंदर नई समस्या पैदा हो, और इसी के बारे में हमारे कई जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। इंदौर से लाए गए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के जनाजे में शामिल लगभग 150 व्यक्तियों को प्रशासन ने क्वारंटाइन में रखा है। वहीं इस शव को रतलाम लाकर दफनाने के मामले में 28 नामजद सहित 29 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इंदौर में मृत कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का शव रतलाम में दफनाए जाने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने मृत व्यक्ति के जनाजे में शामिल हुए लोगों की पहचान कर क्वारंटाइन किया है। जनाजे में रतलाम सहित पिकलोदा नामली के लोग भी शामिल हुए थे। लगभग 150 लोगों को पहचान कर क्वारंटाइन किया गया है। इन लोगों को रतलाम में होटल हीरा पैलेस अतिथि मैरिज गार्डन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग इन पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है। वहीं पुलिस ने इस मामले में शव को रतलाम लाकर दफनाना को गैर जिम्मेदाराना कृत्य मानते हुए 28 नामजद सहित 29 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी हमारे पास जो है जिला चिकित्सालय के शवगृह में की मशीन में 4 बॉडियां पड़ी है और चारों संदिग्ध थे और इनके कम से कम 160 से भी ज़्यादा परिवारजनों को हमने क्वारंटाइन में रखा हुआ है। सैंपल की रिपोर्ट देखिए कल आने वाली थी, हमने बात की एमजीएम इंदौर में, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई यस या नो का जवाब नहीं आया है और हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब हमारे पास लिखित में कोई रिपोर्ट आएगी। हाँ, जो 160 लोग हमारे अतिथि जो हमारा पहले से वहाँ पर रखे गए हैं, हमारी 2 मोबाइल टीमें, 2 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लगातार उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है और उसमें से जो हमको भी कुछ 4 या 5 माइल्ड फीवर के लोग मिले हैं उनको हमने ट्रीटमेंट दिया है। उनमें एज सच कोई कोविड के सिम्टम दिखे नहीं है, हमें उनको भी क्वारंटाइन किया हुआ है, सेपरेट रखा हुआ है। हमने सारी पीपी किट पूरा होटल के स्टाफ को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है और हमारे सभी लोगों को, चाहे वो हमारे कैंटीन में हो या खाना प्रोवाइड करने वाले हो या मेडिकल सर्विसेज देने वाले हो, सभी को अपन ने सुरक्षा किट प्रदान की। इसमें जो अभी तक की जांच में तथ्य सामने आए हैं, इसमें न सिर्फ मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना बल्कि इनके सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसकी जानकारी भी छिपाना, इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करना, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। और इसमें पुलिस अभी लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की संभावना है। कोरोना के शिकार मरीज की इंदौर में मौत के बाद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रतलाम में सुपुर्दे खाक करने के बाद मामला प्रकाश में आते ही प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने बुधवार रात 12 बजे से 54 घंटे का टोटल लॉकडाउन कर दिया। यह लॉकडाउन 11 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। टोटल लॉकडाउन में शहर में पूरी तरह से सन्नाटा रहा, नागरिक भी अपने घरों में रहे, इमरजेंसी ड्यूटी और सेवा में लगे लोग ही घरों से बाहर निकले। प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया है। प्रशासन ने कोरोना के मृतक के लोहार रोड स्थित घर तथा आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया है। इन क्षेत्रों का सघन घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए डीआईजी रतलाम रेंज रुचिवर्धन मिश्र ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के सर्दी खांसी बुखार जुकाम और श्वास लेने में तकलीफ संबंधी लक्षण यदि आपको स्वयं में या अपने परिवार में अपने अड़ोस पड़ोस में अगर आपको पाए जाते हैं तो आप जिला प्रशासन को तत्काल सूचित करें। एक अन्य चीज जो बहुत जरूरी है कि इस समय जो भी मृत्यु सामान्य मृत्यु के प्रकरण भी जो समझ में आ रहे हैं वो किसी अन्य बीमारी की वजह से, किसी प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना का संक्रमण इस कदर फैला हुआ है कि उसमें यदि ऐसे मृत्यु के प्रकरणों में भी संबंधित व्यक्ति में यदि किसी प्रकार के ऐसे लक्षण देखे गए हो या उसकी जरा से भी संभावना आपको लगती हो
तो भी जिला प्रशासन को तत्काल सूचित करें। इसमें ये बहुत जरूरी है कि हमें जरा सा भी संदेह होने पर हमारा आइसोलेशन समय पर हो जाए, उसकी टेस्टिंग समय पर हो जाए। हमारे संपर्क में यदि पॉजिटिव हमारा टेस्ट या किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनकी पहचान, उनका चिन्हीकरण बहुत जल्दी हो जाए और उनका भी आइसोलेशन हो जाए। ये इसमें बिल्कुल भी घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचने के लिए, उसका संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी सूचनाओं को प्रशासन को दें, जल्द से जल्द उसमें टेस्टिंग, आइसोलेशन और इलाज जो है वो संभव हो सके, इसी तरीके से हम इसको रोक सकेंगे। इसको बचाना, छुपाना, इसके बारे में झूठ बोलना, ये अपराध की श्रेणी में है। मैं बताना चाहूंगी कि आईपीसी की विभिन्न धाराएं हैं जो संक्रामक रोगों के संबंध में जो आवश्यक सावधानियां हैं, जो प्रशासन के निर्देश हैं, उनके पालन करने से संबंधित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसमें धाराएं हैं और साथ ही जो 144 के तहत जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है, इस संबंध में आप कोई भी जानकारी छुपाते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, तो इसमें आप इन धाराओं के तहत दंड के भागी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी किसी भी चीज से, ऐसी किसी भी जानकारी को आप ना छुपाएं। जानकारी को बताने से ही आप स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं और आपके अपने सुरक्षित रह सकते हैं। कृपया करके इस अनुरोध के अनुसार जो प्रशासन के निर्देश हैं, जो आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कंटेनमेंट एरिया के जो निर्देश हैं, उन सभी का पालन करें, सुरक्षित रहें और किसी भी तरह का संदेह होने पर जल्द से जल्द प्रशासन को सूचित करें। अब तक कोरोना से सुरक्षित रहे रतलाम पर अब कोरोना का संकट मंडराने लगा है। ये संकट इंदौर प्रशासन की लापरवाही के चलते मंडरा रहा है। इंदौर प्रशासन की लापरवाही को लेकर रतलाम कलेक्टर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं शहर विधायक ने मुख्यमंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गत 4 अप्रैल को इंदौर MY हॉस्पिटल में रतलाम निवासी एक वृद्ध की मौत हो गई थी। MY हॉस्पिटल में इस वृद्ध का सैंपल लेकर शव को परिजनों को सौंप दिया था। परिजन शव को एम्बुलेंस से लेकर रतलाम आ गए थे। इस व्रत की 8 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसकी सूचना रतलाम प्रशासन को मिली। प्रशासन ने ताबड़तोड़ तरीके से व्रत के रतलाम स्थित घर लोहर रोड पर रहने वाले परिजनों से संपर्क कर जानकारी ली तो पता चला कि शव को 4 तारीख को ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। दफनाने के पूर्व वृद्ध का जनाजा निकला था जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने लोहार रोड को सील कर दिया, क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया और परिजनों को क्वारंटाइन करते हुए मेडिकल कॉलेज भेजा। अब तक कोरोना से अछूते इस शहर में कोरोना पॉजिटिव का शव दफनाने से प्रशासन ने सतर्कता बतौर 54 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इंदौर MY हॉस्पिटल द्वारा बरती गई लापरवाही को लेकर एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा है, जिसमें कहा गया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति रतलाम का निवासी होने की जानकारी इंदौर प्रशासन द्वारा नहीं दी गई और संभावित COVID-19 का पॉजिटिव मानकर नियत प्रोटोकॉल अनुसार अंतिम संस्कार नहीं होना एक गंभीर त्रुटि है। इसी तरह से रतलाम विधायक चेतन कश्यप ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा कर पत्र भी लिखा है, जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का शव इंदौर से रतलाम तक बिना किसी सूचना के आने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इसमें जैसा कि आपको हमारे PRO ने ऑलरेडी बताया है, तो इसमें क्योंकि ये मैटर स्टेट लेवल पे डील करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके संबंध में मैंने अपने कमिश्नर सर को, PS हेल्थ को और CS सर को, तीनों को पत्र लिख करके कल की घटना के बारे में अवगत कराया है ताकि उसके संबंध में वो आवश्यक कार्रवाई कर सकें। जी, अभी हमारे पास लगभग 150 प्लस लोगों को हम लोगों ने आइसोलेशन में करा है और जैसा कि आपको मैंने पहले भी शेयर किया था, एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, यानी ये किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आए, उनसे किन से इनका मिला जुला हुआ, तो हमारी टीम सभी डिप्लॉय हो गई हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो कंटेनमेंट एरिया उसमें भी हाउस टू हाउस हेल्थ की जानकारी इकट्ठा हम लोग साथ साथ में करते जा रहे हैं और एज पर प्लान चीज़ें जितना बेस्ट तरीके से हो सके, हमारे सब लोग टीम्स तैयार हैं और हम लोग अच्छी इसमें कार्रवाई करेंगे। कंटेनमेंट एरिया बढ़ने की कोई संभावना है? बिल्कुल, वो गाइडलाइंस में ही रहता है। जब आप कार्य करते जाते हैं और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा उसको सपोर्ट करता है कि इसको हमें बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। जी, एक उनकी भी जानकारी मिली थी, वो भी कल से आइसोलेटेड है विद फैमिली।